हमारा C++ बेसिक थर्ड साइड में जो हमारा सब्जेक्ट है C++, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होता है? टेम्पलेट्स एक तरीके से हमारा फ्रेम होता है, ठीक है, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले टेम्पलेट की डेफिनेशन क्या होती है वो पढ़ते हैं। टेम्पलेट इज अ फ्रेम विच डिफाइन इट्स एक्चुअल मीनिंग इन C++ प्रोग्रामिंग। टेम्पलेट जो है वो C++ प्रोग्रामिंग में एक फ्रेम की तरह है जो हमारी C++ प्रोग्राम की एक्शन मीनिंग को डिफाइन करता है। वी कैन ड्रॉ एनी लॉजिक यूजिंग टेम्पलेट। हम कोई भी लॉजिक को क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट का यूज करके। इट विल क्रिएट एप्रोप्रिएट कोड। ये एक एप्रोप्रिएट कोड को डिजाइन करता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। किस टाइम पे? एग्जीक्यूशन के टाइम पे। वी कैन यूज टेम्पलेट इन C++ टू वे। हम टेम्पलेट को दो तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहला आता है फंक्शन टेम्पलेट, जिसको जेनेरिक फंक्शन के नाम से भी जानते हैं हम। दूसरा आता है हमारा क्लास टेम्पलेट। क्लास टेम्पलेट को हम जेनेरिक क्लास के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम सबसे पहले बात करें फंक्शन टेम्पलेट, तो फंक्शन टेम्पलेट का हम एक सिंटैक्स बनाते हैं। टेम्पलेट लिखा, क्लास टाइप लिखा, जो भी क्लास का टाइप हो हमारा वो लिखेंगे। फिर उसके बाद रिटर्न टाइप बनाएंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे, पैरामीटर लिस्ट बनाएंगे, फिर उसकी फंक्शन की पूरी बॉडी बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा है हमारा क्लास टेम्पलेट, तो जेनेरिक क्लास भी होते हैं। इसका सिंटैक्स जो होता है, पहले लिखेंगे हम टेम्पलेट, फिर क्लास का टाइप बताएंगे, ठीक है, फिर क्लास क्लास नेम लिखेंगे, फिर उसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे। पब्लिक में जो भी हमको फंक्शन वगैरह बनाए होंगे वो देंगे, उसके आर्गुमेंट देंगे, फिर उसके बाद क्लास को क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हम फंक्शन टेम्पलेट की बात करें तो उसको एक प्रोग्रामिंग के द्वारा समझते हैं, जहाँ पर हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम यही करते #iostream.h, हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, folio.h हेडर फाइल इंक्लूड की, फिर टेम्पलेट। टेम्पलेट के लिए हम टेम्पलेट कीवर्ड ही यूज करते हैं। टेम्पलेट बनाई क्लास टी नाम की, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वॉइड शो नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें टेम्पलेट का जो फंक्शन में जो वेरिएबल है उसको टेम्पलेट से अटैच कर दिया। टी यहाँ पर क्या है, क्लास टी, ठीक है। तो यहाँ से टेम्पलेट से इसको ए बी को अटैच कर दिया। सी आउट में लिखा, ए की वैल्यू को प्रिंट कराया, बी की वैल्यू को प्रिंट कराया। वॉइड मेन फंक्शन बनाया, वॉइड मेन फंक्शन में हमने फ्लोट के तीन वैल्यू को प्रिंट करा दिया, एस इक्वल्स टू 10.45 और एस और एफ की वैल्यू कहाँ चली जाएगी हमारी, ए और बी में, क्योंकि हमने उसका क्या बना दिया है टेम्पलेट, ठीक है। तो हमारी एस की वैल्यू है वो ए में दिखाई देगी और जो एफ की वैल्यू है हमारी बी में दिखाई देगी। अगर इसी तरीके से हमने ये तो फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट करा दिया, ऐसे इंटीजर वैल्यूज भी दे सकते हैं 10 और 20, ऐसे ही कैरेक्टर वैल्यू भी दे सकते हैं ए और बी को प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से हमारा जो हर बार वेरिएबल होगा वो आपसे इंटीजर फ्लोट और कैट टाइप ज़्यादा फास्ट कर लेता है, ठीक है। और एक फ्रेम की तरह काम करता है, तो आप सी प्लस प्लस
ला सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बी सी थर्ड सेम सी प्लस प्लस।